हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज मेरे पास में आप लोगों के लिए एक ज़ेनसा मूवमेंट से रिलेटेड कुछ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के दोस्तों यहाँ पर एक बुक है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं धीरे धीरे करके इसको जो भी फ़ोटो है इसको स्लाइड कर रहा हूँ, ठीक है, मूव कर रहा हूँ। तो एक एक क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जो भी हैं ऑब्जेक्टिव हैं और इनके जो भी नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस वजह से हर एक क्वेश्चन को डिफाइन करना, और पहले ही मैं ऑलरेडी वीडियोस में सब चीज़ों को बता चुका हूँ। तो आप लोग अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं सब भी इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसको आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं। शायद मे भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जैसे 11th नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो इज़ दी कंटेम्प्रेरी ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर टिक भी लगा हुआ है, बेन जॉनसन, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एक एक का स्क्रीन शॉट चाहें तो ले सकते हैं, या फिर वीडियो पॉज कर करके भी आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको ये है ना, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, अगर इनका जो भी, अगर आपको इनकी सबकी फोटोज चाहिए तो आप डायरेक्ट फेसबुक में अपने जाएंगे, अगर आप यूज करते होंगे तो फेसबुक में जाएंगे, जैसे वहाँ पर सर्च बॉक्स होता है ना, तो उसमें लिखेंगे जैसे इंग्लिश टू टेक, जो चैनल का नाम है इंग्लिश टू टेक, ठीक है, जो चैनल का नाम है उसको लिखेंगे वहाँ पर से डायरेक्ट। दोस्तों आप लोगों के सामने जो भी हमारा ग्रुप है सेम आइकन का वही ओपन हो जाएगा, वहीं पर दोस्तों ये सारे जितने भी इसकी पिक्चर्स हैं, फोटोज़ वगैरह हैं, वो सभी आपको एक क्लियर मैनर में मिल जाएंगे, जिससे आप पढ़ सकेंगे, ठीक है। तो काफ़ी हेल्पफुल भी रहता है कुछ लोगों के लिए, तो आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए क्या है। अभी तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग केवल ऐसे ही इसको, बाकी के भी चैप्टर्स कुछ एक मेरे पास में, अगर आप बोलेंगे चाहेंगे तो उसको भी मैं ऑब्जेक्टिव तरीके से यहाँ पर इसी तरीके से दोस्तों पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसका वीडियो पॉज कर करके पढ़ सकते हैं। जितने भी दोस्तों क्वेश्चन आंसर्स हैं पहले ही मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे कि कौन से ईयर में प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस हुई और किसके द्वारा हुई, तो ठीक है। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं पहले ही हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आंसर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी तरीके के एग्जामिनेशन के लिए। तो काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। ज़ेनसा मूवमेंट अगर आपके चैप्टर जो भी सिलेबस में हो या कुछ भी, तो कहीं पर जल्दी मिलते नहीं है इस तरीके के क्वेश्चन आंसर्स, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। करीब 114 क्वेश्चन आंसर्स हैं यहाँ पर। और ये देखिए, जो भी कानपुर हमारी यूनिवर्सिटी है CSJMU, कानपुर यूनिवर्सिटी में कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, आए भी हैं, बार बार वही सारी चीज़ें, कौन से सेंचुरी से बिलोंग करता है ज़ेनसा मूवमेंट, 16th century, ठीक है। ज़्यादा जो भी कॉम्प्लिकेटेड टफ पेपर नहीं आता है ऑब्जेक्टिव वाला, बस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, सही से समझ में आना चाहिए। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि सब्जेक्टिव के कंपेरिजन में ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं, क्योंकि इसमें आपको 100 क्वेश्चंस मान लीजिए मिलते हैं, तो क्या होता है कि 100 क्वेश्चंस में से जैसे आपको 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, हर एक क्वेश्चन आधा आधा नंबर का है, तो 50 मार्क्स हो गए, तो अरे एक गलत भी होगा तो भी हाफ मार्क्स कटेगा, और एक सही हो जाएगा तो फिर उसका सही नंबर मिल जाएगा, और सबसे बड़ी बात कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो आप पूरे 100 जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं सब के सब करके आइए, क्योंकि कोई भी नंबर कटने नहीं वाला है। अगर हो सकता है सही हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा उसका नंबर, और अगर गलत हो जाएगा तो भी कट जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन आंसर पता तो एटलीस्ट होने ही चाहिए ना उसके लिए। ऐसा भी नहीं है कि सादे के सादे ऐसे ही करके चले आए, फिर गलत ज़्यादा, अधिकतर मोस्टली क्वेश्चन गलत हो गए तो फिर नंबर आने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों एक एक को मैं धीरे धीरे से स्लाइड कर रहा हूँ, मूव कर देता हूँ धीरे धीरे।
सबसे अच्छा इजीएस्ट वे ये है कि आप चाहें तो इसको डायरेक्ट फेसबुक ग्रुप से, फोटोज मैंने लगा करके रखी हुई हैं, आप चाहें तो वहीं पर से डायरेक्ट फोटोज, अब किसी तरीके से हम शेयर भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने बार ये सारे जो भी क्वेश्चंस हैं रिपीट हुए हैं कानपुर 2017 में। अलग अलग तरीके से दोस्तों, अलग अलग ईयर्स में पैटर्न चेंज होता रहता है, कोई सेम चैप्टर्स रहते हैं, लेकिन बस होता क्या है, ये लोग ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव कर देते हैं, सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव कर देते हैं, इस तरीके से जो भी है चेंज कर देते हैं ये लोग कई बार, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी ऑब्जेक्टिव आते रहे हैं, और जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं दोस्तों वही बार बार रिपीट होते हैं। तो जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी को आप लोग अच्छी तरीके से, सही तरीके से बार बार याद करके जाइएगा, ठीक है, समझ करके। अलग से मैंने सारी चीज़ों की सेपरेट वीडियोस बना करके रखे हुए हैं, जैसे ज़ैनसा मूवमेंट, ह्यूमनिज्म मूवमेंट, रिफॉर्मेशन मूवमेंट, सबको समझिए, हर एक चीज़ों को पढ़िए, और उसके साथ ही साथ में क्वेश्चन करेंगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। दोस्तों ये हमारा यहाँ पर से लास्ट क्वेश्चन, और यहीं से हमारी जो भी वीडियो है ये खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में इसको चीज़ को भी बता दीजिए कि मेरे पास में कुछ एक और भी चैप्टर्स हैं, तो उन सभी चैप्टर्स को पोस्ट करना है, या फिर अगर आपको समझ में आया हो ये इस तरीके से, तो और भी जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी को भी अपलोड कर दूंगा, या फिर फेसबुक ग्रुप में आप जाकर के डायरेक्ट सारे जितने भी चैप्टर्स के फोटोग्राफ्स हैं उनको देख सकते हैं।